था और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल के सियासी संग्राम में धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग गहरा होता जा रहा है। आज मंच से उन्होंने हरे कृष्ण हरे हरे का राग अलापा। इससे पहले कई बार वो मंच से ही चंडी पाठ कर चुकी हैं। नामांकन से पहले भी वो मंदिर गई थी। কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে পরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে পরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে পরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। बंगाल में अब खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से भी। हमारे यहां कहा गया है जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैर इन सम जत्तपि परम स्नेही, यानी जो राम का विरोधी है, जो भारत जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। कोनो हिंदू मुसलमान के साथ गंडगोल जावेन ना, कोनो मुसलमान हिंदू के साथ गंडगोल जावेन ना। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি, একসাথে ইফতার করি, একসাথে সবকিছু পালন করি। कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्ण का जाप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। उधर बंगाल की धारा पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, हिंदुत्व चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है। बंगाल की फिजाओं में आजकल जय श्री राम के इसी नारे की गूंज है। बंगाल के चुनावी प्रचार मैदान में केसरिया छाया हुआ है। सियासी रण संस्कृति के आसपास आकर सिमट गया है। धार्मिक नारों का जोश चुनावी प्रचार का खास हिस्सा बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के चुनावी समर में उतरें और माहौल ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल की सरजमी पर योगी पर फूलों की बारिश हो रही है, उनका रोड शो हिट है। उनकी इस चुनावी प्रचार में खास अहमियत है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी डिमांड है। योगी ने आज हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो किया तो भीड़ देखने लायक थी। यही जोश बीजेपी देखना चाहती है। इसी जय श्री राम के नारे का जादू बीजेपी मानकर चल रही है कि चलेगा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। पहले दिन से बंगाल के सियासी संग्राम के बारे में एक बात साफ हो गई थी कि इस बार इसके रंग में धर्म और संस्कृति का पन्ना जुड़ेगा और ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सियासी समीकरणों और नतीजों को दिशा देने की बारी आए तो इसमें धर्म और संस्कृति निर्णायक बने और इसीलिए बार बार बीजेपी धर्म से जुड़े सवाल उठा रही है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है ये बंगाल? अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती, उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा।
हिंदू ध्रुवीकरण के खतरे की काट के लिए ममता ने हर दांव आजमाया और अब अगर आज की तारीख में देखें तो बंगाल का रण जिन चंद मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है उनमें हिंदू ध्रुवीकरण, जय श्री राम के नारे, मंदिर मुद्दा, मुस्लिम तुष्टिकरण, धार्मिक आजादी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। इसमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी, इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इसी पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है, लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। मामाटी मानुष गोत्र आज के तिनी जखन आमाय जिज्ञेस करलें आमी बोललाम देखुन आमार तो एकटा पर्सनल गोत्र आछे सेटा सांडिल्लो। ममता अपना गोत्र बता रही हैं, बीजेपी उन पर हिंदुओं की अनदेखी का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी को साफ लग रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण से उसे ममता को पस्त करने में आसानी रहेगी। इसकी ठोस वजहें हैं, हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, इसने बार बार बीजेपी को जीत दिलाई है, ममता पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं, इस मुद्दे पर ममता को घेरना आसान है। बीजेपी के पास बंगाल में करप्शन के सिवा कोई दमदार मुद्दा नहीं था, हिंदुत्व पर शुरू से ममता बचाव की मुद्रा में दिखी। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया, बीजेपी ममता को अपनी मनचाही जमीन पर जंग लड़ने के लिए ले आई। जाहिर तौर पर हिंदुत्व बंगाल के रण में बड़ा मुद्दा है, देखना यह है कि बीजेपी के लिए ये कितना काम करता है और क्या ममता अपना नुकसान कम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। ममता बनर्जी के पैर की चोट को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी किया है और ममता की चोट पर नए मीडिया पर ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ का है जहां ममता बनर्जी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हैं। ममता कुर्सी पर बैठी है और सामने की ओर से किसी ने मोबाइल पर ये वीडियो बनाया है। ममता के पैर में प्लास्टर है, मतलब ये कि वीडियो उन्हें चोट लगने के बाद का ही है। टेबल के नीचे ममता का प्लास्टर वाला पैर कई बार हिलता डुलता दिखाई देता है और फिर बाद में ममता इसी पैर को पीछे करके दूसरा पैर इसके ऊपर रखते नजर आ रही हैं। संबित पात्रा ने इस वीडियो पर चटखारे लेते हुए टिप्पणी की है, बेचारा पैर हिल हिल के बता रहा है वो कितने दर्द में है। ১১ मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के बाद ममता शाम के वक्त रोड शो कर रही थी, इसी दौरान उन्हें पैर में चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची मीडिया से ममता ने खुद कहा था कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया और मौके पर कोई पुलिस अफसर भी नहीं थे। चुनाव आयोग ने ममता की चोट पर रिपोर्ट मंगाई, कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन तब तक ममता की चोट जबरदस्त सियासी रंग ले चुकी थी। व्हीलचेयर पर आकर ममता ने बीजेपी पर हमले का सीधा आरोप मढ़ दिया और तब से लेकर अब तक उनकी हर चुनावी रैली में यही आरोप सबसे ऊपर होता है। आरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ममता के इन आरोपों के जवाब में बार बार उनसे मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करती रही है। इशारों में हर बीजेपी नेता यही कहते रहे कि ममता की चोट बहाने से ज्यादा कुछ नहीं। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। राजनीति में सब कुछ इशारों और संदेशों का खेल होता है।
ममता की चोट की रिपोर्ट तो शायद कभी सामने ना आए, लेकिन वो बंगाल के लोगों के बीच ये संदेश पूरी ताकत से पहुंचा रही हैं कि बंगाल की एक बेटी को बीजेपी के लोगों ने चोट पहुंचाई है। ऐसे में ये वीडियो ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी के काफी काम आ सकता है। आज तक ब्यूरो। असम के चुनावी जंग में भी मजहब का रंग गहरा रहा है। बद्रुद्दीन अजमल के बेटे ने लुंगी दाढ़ी वालों की सरकार वाला बयान दिया, तो आज पीएम मोदी ने असम की रैली से मजहबी राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है, असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है। समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए, एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दे, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिने, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं, तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है, इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। बंगाल में आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है। दक्षिण के दौरे से लौटकर पीएम मोदी की आज बंगाल में 2 रैलियां हैं, तो ममता बनर्जी की 4 रैलियां और 1 रोड शो है। इस दौरान हुगली में दोनों नेता आमने सामने भी होंगे। अगले 6 चरणों के चुनाव से पहले दोनों के बीच जमकर माइंड गेम चल रहा है। और मनुष्यों के आशीर्वाद के कारण पश्चिम बंगाल हमेशा संस्कृति और संसाधनों के मामले में समृद्ध रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए, क्या करना है, इसे लेकर बंगाल की महान जनता में कभी भी कोई भ्रम नहीं रहा है। इसी वजह से बंगाल के लोगों ने चुनाव में हमेशा स्पष्ट बहुमत को प्राथमिकता दी है, हमेशा। यहां का बौद्धिक वर्ग, यहां की अध्ययनशील प्रतिभाएं हमेशा स्पष्ट सोच लेकर के चली है। बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे धकेल दिया। इसलिए
आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर बंगाल के लोगों ने यहां के जन जन ने यहां की माताओं बहनों ने यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले दो चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। साथियों, 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर, हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, गणतंत्र खेला नय, गणतंत्र हलो मानुषेर सेवार पथ, गणतंत्र हलो मानुषेर उन्नतिर पथ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन जगह नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह छोटी पड़ गई। आपका प्यार उससे भी अनेक गुना ज्यादा है। आप जहां हैं वहीं से सुनिए और मुझे विश्वास है मेरी आवाज तो जरूर पहुंचती होगी। आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। भाइयों बहनों, हद तो इस बात की है, अब दीदी
बंगाल की जनता के अपमान पर उतर आई है। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या कोई बंगाल का नागरिक बिक सकता है? क्या कोई उसको खरीद सकता है? क्या? अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं। पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों को। ये बंगाल के लोगों का स्वाभिमान है। दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं, ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है, और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अपनी बौखलाहट में आप मेरा अपमान करिए, लेकिन बंगाल की जनता, यहां की महिलाएं, यहां के गरीब, बंगाल के हमारे भाइयों बहनों का अपमान मत करिए दीदी, अपमान मत करिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले आपको सर आंखों पे बिठाया था, आज आप उनको गाली दे रही हो। साथियों, मुझ जैसे करोड़ों भारतवासी कालीघाट, तारकेश्वर, दक्षिणेश्वर, गंगा सागर और बेलूमठ जैसे पुण्य स्थानों पर आकर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे में कोई जब इस पवित्र बंग भूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के विपरीत जब आचरण करता है तो हर हिंदुस्तानी को बहुत दुख होता है। बंगाल में एक विशेष मधुरता है, मिठास है, यहां की भाषा में मिठास है, यहां के भाई बहनों की भावना में मिठास है, बंगाल के हर नागरिक की व्यवहार में मिठास है, यहां की मिष्टी दोई और मिठाइयों की तो बात ही अलग है। फिर इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? कोथाय थेके पाच्छेन, ये तो तिक्तता दीदी। आप बंगाल के प्रतिभाशाली युवाओं के आचार विचार में कड़वाहट घोल रही है। अब दीदी, आपको बंगाल के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं डे वन से कह रहा हूं, दीदी आपने काम क्या किया बताओ ना लोगों को, ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, बस यही उनकी परेशानी है। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नए निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। हुगली देश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन आज क्या हालत हो गई है आप भी जानते हैं। एक समय भारत के अनेक राज्यों से लोग बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करने आते थे,
आज बंगाल के लाखों लोग चाकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। साथियों, तृणमूल सरकार तो अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए आपदा सिद्ध हुई है। मानवता कहती है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए तो मदद का हाथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तृणमूल के लोगों ने तो मुसीबत को ही कमाई का साधन बना दिया। बार बार आने वाले चक्रवातों से पश्चिम बंगाल परेशान होता है, चारों तरफ तबाही आती है, गरीब की बाड़ी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तृणमूल के तोलाबाजों की उनकी बाड़ी और उनकी गाड़ी इसका साइज बढ़ता ही जाता है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, एखन बंगलार मानुष विश्वासघात को तार जवाब देबे। इन लोगों ने पंचायतों को लूटा, पंचायत चुनावों को लूटा। हालत यह है कि शासन प्रशासन की कमान भी टीएमसी के दफ्तरों को दे दी गई है। साथियों, विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के उन्नयन के लिए विजन और पॉलिसी जितनी जरूरी होती है, उतनी ही आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है। बीते 10 साल में पश्चिम बंगाल ने इसका बहुत बड़ा अभाव देखा है। ऐसी सरकार आपने कहां देखी जो इस बात पर गर्व करती हो कि उन्होंने शिल्प को रोका है, उद्योग को रोका है? सिंगूर के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद इन लोगों ने यहां के लोगों को अधर में ही छोड़ दिया। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है, और जो कृषक है वो बिचौलियों से परेशान है। साथियों, हुगली का आलू बड़ी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि दीदी की सरकार ने यहां पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए। जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी सिंडिकेट चला रहा है। आलू किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को हर संभव सहायता देती है, इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यही स्थिति यहां जूट किसानों, जूट मिलों में काम करने वाले साथियों की है। केंद्र सरकार ने 6 सालों में जूट का एमएसपी 85% 85% से ज्यादा बढ़ाया है। गेहूं की पैकेजिंग जूट में हो, देश में प्लास्टिक की जगह
जूट बैग का उपयोग हो, इसके लिए हमने कदम उठाए, जूट की डिमांड को बढ़ाया, लेकिन यहां की सरकार जूट मिलों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही। इसलिए आज आलू किसान, जूट किसान, श्रमिक, हर कोई डबल इंजन की भाजपा सरकार के लिए वोट कर रहा है। दीदी, इसलिए वोट कर रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां कोल्ड स्टोरेज के साथ ही फूड प्रोसेसिंग में निवेश को और बढ़ाया जाएगा। साथियों, बंगाल के गरीब किसानों के साथ तो दीदी ने अपनी विशेष नफरत दिखाई है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। देश भर के किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,25,00,000 रुपए जमा कराए गए हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 1,25,00,000 रुपया, ये हो चुका है। न कोई कटमनी, न कोई रिश्वत, एक एक टका सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंचा है। लेकिन ये लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिला। दीदी ने बंगाल के लाखों कृषकों को भारत सरकार के इन पैसों से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, 2 मई को यहां सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि डबल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने वाली है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। और आकर के जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे जरूर कहूंगा कि भाई, ये दिल्ली से मुझे पैसा भेजना है, आप जल्दी इस काम को पहली कैबिनेट में लागू कीजिए, मैं कहूंगा। और सुनिए भाइयों, बंगाल के हर एक किसान को जो दीदी ने नहीं देने दिया है, वो भी बकाया, जो बकाया पिछला पैसा है उसको जोड़ करके हर किसान के खाते में, उसके बैंक खाते में 18,000 टका मिलेगा। और मैंने तो आग्रह करूंगा कि 10 साल से सरकार को जरा सो जाने की आदत पड़ी है, नई सरकार को सारी मशीनरी को दौड़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि दुर्गा पूजा के पहले हर किसान के खाते में रुपया पहुंच जाना चाहिए। और इसलिए मेरा आग्रह है कि बंगाल के किसान भाई बहन, और मैं यहां जो सरकार के मुलाजिम है, आज उनसे भी आग्रह करता हूं कि भाई, 10 साल जो हुआ सो हुआ,
जितना बर्बाद होना था कर लिया। अब बंगाल की सेवा करने का आपके सामने मौका आ रहा है। अभी 2 मई को नतीजा आने के बीच में समय है, जहां चुनाव पूरा हो गया है वहां अधिकारी जरा किसानों की सूची बनाना चालू कर दें, उनके बैंक खाते चेक कर लें, उनका आधार नंबर चेक कर लें, ताकि जैसे ही निर्णय करें फटाफट पैसा जाना शुरू हो जाए। बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द से जल्द हर एक किसान के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना चाहती है। टीएमसी सरकार ने किसानों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया है वो दूर करने का समय बहुत ही निकट दिख रहा है। भाई साथियों, अपने ही अहंकार में दीदी केंद्र की हर योजना के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती रही है। केंद्र सरकार ने शहरों में काम करने आए रिक्शा रेड़ी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए बिना गारंटी का बैंक लोन देने की जब भारत सरकार ने शुरुआत की, हिंदुस्तान के हर शहर में शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं दीदी को क्या हो गया, दीदी ने यहां की बंगाल की सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को 5 लाख मुफ्त इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, लेकिन दीदी ने आयुष्मान भारत का लाभ किसी गरीब को मिलने ही नहीं दिया। और दीदी क्या कहती है, अरे मेरी तो योजना इससे भी बड़ी है। अरे दीदी, आपकी योजना मानो बड़ी है, उसमें अगर 5 लाख और जुड़ जाता है तो गरीब का भला होगा कि नहीं होगा, गरीब का लाभ होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरा, दीदी आपको पता भी नहीं है, आप पढ़ती तो है नहीं, इस योजना का एक दूसरा लाभ क्या था कि कोई भी बंगाल का व्यक्ति अगर मानो किसी काम से दिल्ली गया है, जयपुर गया, चेन्नई गया और वहां बीमार हो गया तो वहां की अस्पताल में भी इस योजना से लाभ मिलता है, आपकी योजना से नहीं मिलता है दीदी। लेकिन उनको बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। बंगाल का संवेदनशील समाज इस कठोरता को, इस निर्ममता को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और मौके के इंतजार में था, इस चुनाव में मौका पा लिया है। साथियों, दीदी और उनकी पार्टी के रुकावटी सोच ने इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी प्रभावित किया। यहां रेल लाइन को लेकर टीएमसी के नेता कितनी रुकावट डाल रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगी, इससे ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो पश्चिम बंगाल सहित पूरे पूर्वी भारत को विकास की नई बुलंदी देने वाला है। बहुत जल्द ही डानकुली तक का पूरा कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। कोलकाता मेट्रो का विस्तारीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मुझे भी मिला था। हुगली के अनेक हिस्सों में भी मेट्रो के पहुंचने से यहां के गरीब मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल की पहचान यहां की धरोहर है, आस्था अध्यात्म के स्थान है। तारकेश्वर नाथ हमारी आस्था का ही ऐसा स्थान है, लेकिन तृणमूल ने इस पावन स्थान को भी पॉलिटिक्स का तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। साथियों,
हमने भोला भोले बाबा के आशीर्वाद से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में परिसर और आसपास के क्षेत्र का विकास बड़े पैमाने पर शुरू किया है। उसी तरह यहां तारकेश्वर में भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदलाव लाया जा सकता है। बंगाल की जनता के आशीर्वाद से हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। साथियों, तारकेश्वर नाथ जी के साथ साथ यहां की पहचान हुगली नदी को भी तृणमूल के सिंडिकेट ने बर्बाद कर दिया है। अवैध निर्माण, औद्योगिक कचरे के खिलाफ कोई प्रभावी नीति लागू ही नहीं की, क्योंकि सरकार सिंडिकेट चलाती है। यहां सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कई ट्रीटमेंट प्लांट आज भी काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर गंगा जी की निर्मलता को लेकर बेहतर काम हो सकता है तो हुगली की स्वच्छता के लिए क्यों नहीं हो सकता। अगर देश के दूसरे हिस्सों में आधुनिक रिवर फ्रंट बन सकते हैं तो हुगली में भी उतना ही खूबसूरत रिवर फ्रंट बन सकता है। भाजपा के पास हमारी धरोहरों, हमारे नदियों की स्वच्छता और नदियों के सुंदरीकरण दोनों का बेहतरीन अनुभव है। यही अनुभव 2 मई के बाद हुगली के काम आएगा, सोनार बांग्ला के निर्माण में काम आएगा। सोनार बांग्ला, सोनार गौरव, आमरा फिर ये आनबोय। भाई और बहनों, आशोल परिवर्तन की शुरुआत के लिए अब 30 दिन से भी कम का समय बच गया है। पौधों फूल खिलेगा, हर बूथ में खिलेगा। इस बार बीजेपी सरकार, इस बार जोर से छाप कमल छाप, इस बार जोर से छाप। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उज्जवल भविष्य के लिए आप भारी मात्रा में मतदान कीजिए और पहले बार जो मतदान हुआ, दूसरी बार उससे ज्यादा हुआ, तीसरी बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम आपके पास है। करोगे ना, घर घर जाओगे, लोगों को मिलोगे, मतदान कराओगे, एक एक को लाओगे। मुझे पूरा विश्वास है ये सारे चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता कर रही है। हम तो आपके उत्साह को प्रणाम करने के लिए आते हैं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह बंगाल में जुटे हैं तो पीएम मोदी चारों दिशाओं में प्रचार कर रहे हैं। दिन में मोदी असम में रैली करते हैं तो शाम होते होते सुदूर दक्षिण पहुंच जाते हैं। मोदी की 5000 किलोमीटर वाली उस चुनावी तपस्या की बात करना भी जरूरी है जो 24 घंटे में पूरी हो रही है। बीजेपी को बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त करना है तो दक्षिण में भी कमल खिलाने की हसरत है। सत्तर की उम्र और जोश किसी युवा जैसा। 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री का जोर देखिए।
बीजेपी असम में कुर्सी बचाना चाहती है। बंगाल में दीदी की कुर्सी छीनना चाहती। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। केरल में मौजूदगी दिखाने की लड़ाई है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को सरकार में आने से रोकने की रणनीति। प्रधानमंत्री एक दिन में चार चार रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार के बीच चार चुनावी राज्यों के 36 घंटे के भीतर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने दी। दिल्ली से असम, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटे में अपने बहुमूल्य वाणी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। Our ideology is सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. At the root of this mantra is a spirit of compassion towards everyone. Our government does not see people's caste, creed or faith before serving them. Ours is a government for everyone. मैं जो दृश्य देख रहा हूं, चार मंजिला पब्लिक मीटिंग है, उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। शायद दिल्ली में बैठ करके जो पॉलिटिकल पंडित केरल के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, जब तक वो ये दृश्य नहीं देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा हवा कैसे बदल चुकी है।